बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हुकूमत पाकिस्तान वजारत दफा के अंदर कुछ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह चलते हैं। इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं। इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की 8 अक्टूबर 2020 है। इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है नाम असामी चौकीदार, पे स्केल 1 है, उम्र क्या 18 से 30 साल तक है, तलीमी काबिलियत प्राइमरी पास है और तदाद असामी भी 1 है। उसके बाद दूसरे नंबर जो है सेंट्री वर्कर है, बुनियादी पे स्केल 1 है, इसका जी 18 से 30 साल एज लिमिट है, तलीमी काबिलियत आपकी प्राइमरी पास है, तदाद असामी भी 1 है। नीचे टर्नामेंट कंडीशन शरायत आ जाती है, इजाफी तलीम और तजर्बा को तरजीह दी जाएगी। दरख्वास्त के साथ तलीमी इसनाद, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और नादरा शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा फोटो कापी अर्सल करें। आर्मड फोर्स ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड हजरात के लिए उम्र की रियायत गवर्नमेंट कानून के तहत दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन को दरख्वास्तों की अख्तितामी तारीख तक अपनी 2 साल सर्विस पूरी कर चुके हों, दरख्वास्त देने के अहल होंगे, बशर्ते का अपने मतलब महकमे से NOC दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करें। दरख्वास्त बनाम ऑफिसर इंचार्ज मरफत PC 292 पोस्ट बॉक्स नंबर 2855 GPO इस्लामाबाद को तारीख इश्तियात से 15 यौम के अंदर अंदर अर्सल करें। किसी उम्मीदवार को आने जाने का सफरी खर्चा अदा नहीं किया जाएगा। इन ऑफिसर इंचार्ज मार्फत PC 292 पोस्ट बॉक्स 2855 GPO इस्लामाबाद। ठीक है दोस्तों, लिंक आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे।